सिचुएशन है क्या कि रॉल्स के इस थॉट को एनिमीज रॉल्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर ये हो गया। इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत कहां पे है, इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है ये बेसिकली जरूरत है थर्ड स्टेट में और डेवलपिंग कंट्री में, क्योंकि थर्ड स्टेट या डेवलपिंग कंट्री में सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा पाया जाता है। ठीक, इसलिए थर्ड स्टेट या डेवलपिंग कंट्री या स्टेट रॉल्स के इस थॉट को अपनी पॉलिसीज के लिए आइडियल मान लेते हैं। समझ में आई बात? तो इसलिए रॉल्स का इंपॉर्टेंस, रॉल्स का महत्व आज के थर्ड नेशन में या डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा है, और थर्ड नेशन की जितनी भी गवर्नमेंट है वह रॉल्स के थॉट के अकॉर्डिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करते हैं। ठीक, अब जैसे सपोज दें यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है और ये है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और यह है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्लियर। ये दोनों मिला दोगे तो ये बन गया आर्टिकल 14, क्लियर। लेकिन अब आगे अगर हम चलते हैं तो ये हो जाएगा आर्टिकल 15(1), 15(2), ये हो गया आर्टिकल 15(3), 15(4), 15(5), आर्टिकल 16(1) एंड आर्टिकल 16(2), आर्टिकल 16(3), 16(4). भाई 15(1), 15(2) क्या कहता है, स्टेट नागरिक से नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ये हो गया तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो गया। लेकिन 15(3) क्या कहता है, महिलाओं और बच्चों के कल्याण को लेकर वह एक स्पेशल प्रिविलेज या स्पेशल कंडीशन का फॉर्मेशन कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। 15(4) क्या है, 15(4) ये है SC ST OBC के लिए स्पेशल प्रिविलेज दे सकता है। 15(5) है AWS का है। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेशन कर दिया कि नहीं। उसी प्रकार इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर 16 का है, तो स्टेट को स्टेट के बीच या स्टेट सिटीजन के बीच किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। 15(1) and 16(2) है। लेकिन 16(3) and 16(4) क्या है, 16(4) है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। ठीक, लेकिन अब यहां पर स्टेट फिर आ गया है, स्टेट क्या हो गया, आ गया, तो ये स्टेट कहां चला गया, आर्टिकल 12, क्योंकि पार्ट थर्ड में कहीं पर भी स्टेट वर्ड्स आए उस स्टेट की मीनिंग सिर्फ आर्टिकल 12 है। नोट कर लीजिए कि पार्ट थर्ड में यानी 12 to 35
पार्ट थर्ड या 12-35 में डिफिनीशन ऑफ स्टेट है, यानी आर्टिकल 12 में डिफिनीशन ऑफ स्टेट है और इस स्टेट का रिलेशन पार्ट थर्ड से होगा, ठीक। इसलिए अगर कहीं पर भी अगर आपसे पूछा जाए कि पार्ट थर्ड के लिए स्टेट का मतलब क्या है, तो सीधे आप बोलिए कि आर्टिकल 12, ठीक। और आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग यानी डिफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट इज द इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, लोकल ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर। तो रॉल्स की पोजीशन यही थी और रॉल्स इसी के बेस पर अमेरिका के निग्रो मूवमेंट की प्रॉब्लम को क्या किया, शॉर्ट आउट किया, और अमेरिकी सोसाइटी में ब्लैक एंड व्हाइट के बीच जो कंफ्लिक्ट था, वो ब्लैक एंड व्हाइट के बीच कंफ्लिक्ट का रीजन क्या था, कैपेबल और नॉन कैपेबल, कैपेबल एंड नॉन कैपेबल। कैपेबल यानी मींस व्हाइट पर्सन चाहते थे कि सबको इक्वल फैसिलिटीज दी जाए, तो उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस था कि अगर हम सबको इक्वल फैसिलिटीज देंगे तो जो फैसिलिटीज हमको मिलेगी वही फैसिलिटीज दूसरे को मिलेगी। हमारे पास कैपेबिलिटी है, मैं उस कैपेबिलिटी का यूज करके अपना मैक्सिमम पोजीशन को क्या कर सकता हूं, अपग्रेड कर सकता हूं। पैंथर या जो निग्रो पर्सन है उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी इन द कि इलिटरेट पर्सन है, नॉन सिविलाइज्ड पर्सन है, और उनको अगर फैसिलिटीज दी जा रही है तो उस फैसिलिटीज का यूटिलाइजेशन वो नहीं कर पाएंगे और स्थिति क्या होगी कि वह पोजीशन या वह स्थिति लेकर वह अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, सोसाइटी में हमेशा अनइक्वलिटी। इसलिए जो निग्रो पर्सन है वह मोमेंट इसीलिए चला रहे हैं कि हमें स्टेट हमारी अकॉर्डिंग के अकॉर्ड हमारी अकॉर्डिंग यानी हमारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, हमारे कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमको फैसिलिटीज दे, ठीक। जैसे हमेशा एक मैंने एक हमेशा एक एग्जांपल बताता हूं जस्टिस एंड सोशल जस्टिस को लेकर। जैसे यहां पर तुम लोग को जस्टिस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर, 20 ब्रेड है, ठीक, और इसे 5 लोगों के बीच डिवाइड करना है, ठीक। अगर इनवर्सल रूल ऑफ जस्टिस यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से कर दे तो सबको 4-4 मिल जाएगा, जस्टिस हो गई। लेकिन अब इनकी सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन को ले ले तो सुन लीजिए, ए है 6 मंथ का, बी है 1 ईयर का, सी है 10 ईयर का, डी है 13 ईयर का और ई है 14 ईयर का। अब इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से पांचों मरेगा कि नहीं, बोलिए मरेगा कि नहीं भाई। ऊपर के दो तो खाते खाते मर जाएंगे सर और नीचे भूखे मरेगा, इसलिए यहां पर क्या किया जाएगा, इक्वल, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर आधा दे दिया गया, यहां पर 1 दे दिया गया, यहां पर 3 दे दिया गया, यहां पर 10 दे दिया, यहां पर 7 दे दिया गया और यहां पर क्या कहा जाता है कि 10 दे दिया गया, यानी मींस ये हो गया अनइक्वल। और इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से पांचों को बेनिफिट हो रहा है, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिशियल है या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिशियल है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। यही सोशल जस्टिस का बेसिक कंसेप्ट है
कि सोसाइटी में हमेशा इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ क्या करना होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की पोजीशन को मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है।